हेलो, मेरा नाम है रमन एंड आप देख रहे हैं रमन सेक चैनल। एंड आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो तो ना आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताने वाली हूँ। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू गाइस, यू आर मोर देन फ्री टू मेक योर ओन डिसीजंस, बट दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एन आई ओपनिंग, बिकॉज मेरा फ़र्ज है अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं सारी आपको ऐसी बातें बताऊँ कि आपके मन में कोई एक्सपेक्टेशंस ना रहे ज़्यादा कैनेडा के बारे में, जो क्योंकि दूर से दुनिया अलग लगती है, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो थोड़ी अलग लगती है। तो आई जस्ट वांट टू शेयर सम ऑफ माई थाट्स एंड आइडियाज़ एंड मे बी इट विल हेल्प यू टू मेक मोर बेटर डिसीजन। आई नो बहुत सारे लोग जो हैं कनाडा में आना चाहते हैं और उनके मन में बहुत बहुत सारे सवाल हैं कि मेरे को जाना चाहिए नहीं, मेरे को जाना चाहिए नहीं, मेरी लाइफ मेरी जहाँ पे सेट हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे को जाना चाहिए नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट है तो इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा बहुत डाउट जो है अच्छा कम हो जाएगा। सो मैं वीडियो को फास्ट करने की कोशिश करती हूँ। सो पूरा वीडियो को देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, मैं धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। सो पहली बात तो जो लोग पहले इंडिया में नाइस वर्क उनको नाइस काम नाइस जॉब मिली हुई है वो कर रहे हैं पहले ही, तो आप अगर सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए तो आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन लेके मत आना कि आपको वैसी ही जॉब मिलेगी जैसी आप इंडिया में कर रहे थे। मे बी आपको वैसी जॉब मिल जाए, मे बी नॉट, बस एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना, क्योंकि बाद में बहुत ऐसा लगता है कि है ना, मैं इंडिया में इतनी अच्छी जॉब कर रहा था, मेरे को यहाँ पे ऐसी नहीं मिली। ऑब्वियसली कल्चर डिफरेंट है ना, कंट्री डिफरेंट है, रूल्स डिफरेंट है, जॉब ढूंढने के तरीका डिफरेंट है ना, तो वो सारे चक्कर में अगर आप कहीं पीछे रह गए कैनेडा में आके तो आपको बाद में बुरा ना लगे। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस के इतनी वो वाली एक्सपेक्टेशंस मत रखना, अगर वैसे आना चाहते हो तो यू आर मोर देन वेलकम। दूसरी बात है, अगर जब आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं, मेरे को पता है वहाँ पे भी टैक्स होता होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर, आई नेवर वर्कड इन इंडिया और किसी और कंट्री में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं, टैक्स भी लगता है ऊपर हमारी सैलरी के ऊपर, जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी है उतना ही ज़्यादा आपका टैक्स लगेगा उस पर। सो उसके बाद जो है हमारे खर्चे बहुत हो जाते हैं इंडिया में, शायद आप है ना, हमारे पास घर पहले से हैं तो हमें रेंट नहीं देना पड़ता, लेकिन हमारा यहाँ पे मे बी आपको रेंट लेना पड़े, मे बी इनिशियली आप बाय ना कर पाओ हाउस, तो इनिशियली आपको रेंट देना पड़ेगा घर का, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर बिल, हीट बिल, इलेक्ट्रिसिटी पावर सेम बात होगी, हीट जो है हीट बिल एंड हॉट वाटर बिल एंड दूसरा इंटरनेट बिल है ना, कार का बिल हो गया अगर कार लेनी है, नहीं तो आपको शुरू में शायद बसेस में भी जाना पड़ सकता है, तो उसके बारे में भी सोच लेना। यहाँ पे बसेस अगर कार में 10 मिनट लगते हैं तो बस में 1 आवर तक भी लग सकता है, इधर उधर घूम के जाती है बस। एंड उसके बाद क्या है कि तो ये तो होगी कि अगर आप जॉब कर रहे हो इंडिया में और यहाँ पे या किसी और कंट्री में और कैनेडा में आके चाहते हो कि शायद मेरे को वैसी जॉब मिल जाए, तो मे बी आपको वैसी जॉब ना मिले, तो उसके लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो विजिटर वीज़ा पे आके देख लो, शायद आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे कैसा होता है। दूसरी बात है, यहाँ पे वेदर का बहुत है कि कोल्ड है बहुत, ओटावा वगैरह में तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हम भी तो इंडिया से आए हैं तो ऑब्वियसली हम भी तो रह रहे हैं तो आप भी रह लोगे, लेकिन कोल्ड मीन कोल्ड, कई लोगों को ज़्यादा कोल्ड लगता है, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ये बहुत ज़्यादा नीचे भी चला जाता है, तो वो हम इंडिया में फील भी नहीं कर सकते इतना कोल्ड होता है वो। एंड तीसरी बात जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको लेना पड़ेगा, वो बात हो गई। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने पहले ट्वेल्थ में हो और यहाँ पे आना चाहते हो, और उसके लिए आपको शायद ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं क्योंकि आप कभी घर से बाहर नहीं निकले, अगर आप घर से पहले बाहर रहे हो फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है शुरू में, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट रूल्स है, सब कुछ डिफरेंट है, तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है। और मेरे को एक बात लगी कि यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सब लोग शुरू में अपना अपना बिजी हो जाते हैं और हम फिर वो वाली फ्रेंडशिप नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि जब सबकी जॉब लग जाती है तो सब अपने अपनी लाइफ को संभालने के लिए लग जाते हैं, तो शायद आपकी इतनी
फ्रेंड्स ना बन पाए उतनी जल्दी. कुछ लोग यहाँ पे रिजर्व भी हैं, मतलब इतनी ज़्यादा बात नहीं करते. अलग अलग कल्चर्स के हैं तो थोड़ा आपको रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा. यहाँ पे कई लोग अपना हाँ पूरा पूरे बातें बता देते हैं और दूसरे बारे क्या बारे में आपको कुछ पता नहीं होता. एंड ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको शुरू में मुश्किल आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको ठीक हो जाएगा. अगर आपने कभी भी इंडिया में कोई काम नहीं किया, खाना बनाने का, कपड़े धोने का, बर्तन साफ करने का, और काम पे जाने का, और स्टडी भी करने का साथ साथ, तो आपको शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा. तो मे बी कई लोग मैंने देखा है कि कई लोग आके वापस भी इंडिया चले गए हैं, क्योंकि उनको एक दिन भी यहाँ पे रुक नहीं पाए और उन्होंने अपनी स्टडी भी कैंसिल कर दी. जस्ट बिकॉज दे कुडंट स्टे हियर, वो यहाँ पे रह नहीं पाए और वापस चले गए और पूरे जो अपनी स्टडी की फ़ीस बर्बाद की उन्होंने, सब कुछ कर ये ऐसा किया. तो कुछ लोग तो एयरपोर्ट पे आके भी ये सोचते हैं कि मैं क्यों आ गया यहाँ पे, तभी उनको एहसास हो जाता है कैनेडा का. और शुरू में जो छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज आती है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लगता है, और बाद में ये भी होता है कि ये नहीं है कि आप शायद एक साल बाद ही इंडिया चले जाओ. मे बी आपको कुछ साल लग जाएँ वापस इंडिया जाने को, है ना. जैसे मेरे को अभी तीसरा साल चल रहा है, 4 साल हो जाएंगे मेरे को दिसंबर में इंडिया जाए को. और मे बी आपको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो मे बी शायद आप उनको ज़्यादा जल्दी ना मिल पाए. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हो ही नहीं सकता, आप मिल सकते हो, लेकिन टिकट बहुत एक्सपेंसिव होती है और जो स्टूडेंट फीस भी काफ़ी बढ़ रही है. तो उसकी वजह से जो है सब स्टूडेंट्स को ये होता है कि पैसे सेव करके हम फीस भर लें, इंडिया जाने से बेहतर है. ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल श्योरली आंसर दैट. एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.